गाइज मेरा नाम है दीप्तानु, आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तानु शिल को। तो आज के इस वीडियो पे हम प्रैक्टिकली बात करेंगे फेसबुक का जो नया फीचर आया है बल्क फीचर, उसको लेके बल्क फीचर का क्या यूज है, क्रिएटर लोग बल्क फीचर को कैसे प्रैक्टिकली यूज करेगा और इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, ये प्रैक्टिकली आज के इस वीडियो पे दिखाने वाला हूं। तो अगर आप एक फेसबुक क्रिएटर हो तो वीडियो को पूरा देखना तो ही आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। तो फिलहाल मैंने मेरे पेज को ओपन करके रखा हूं, आज आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं बल्क फीचर का बेनिफिट क्या होगा क्रिएटर को, इस फीचर को आप लोग कैसे यूज करोगे अपने फेसबुक पेज के अंदर। तो दोस्तों इसके लिए मैं क्रिएटर स्टूडियो पे चला आया, अभी फिलहाल मैं हूं क्रिएटर स्टूडियो के अंदर मेरे ही पेज का। तो आप लोगों को जो करना है बल्क फीचर को यूज करने के लिए, आपको क्रिएटर लाइब्रेरी पे, कॉन्टेंट लाइब्रेरी पे क्लिक कर देना है। तो मैंने कॉन्टेंट लाइब्रेरी पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आप देख सकते हो अपलोड वीडियोस करके ऑप्शन है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने दो ऑप्शन आता है, एक तो सिंगल वीडियो जो इतने दिनों तक आप लोग नॉर्मली अपलोड किए आए हो एक एक करके वीडियो वो, और एक आता है मल्टीपल वीडियोस। यही फीचर बल्क अपलोडर का है, बल्क फीचर का है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो मैंने क्लिक कर दिया, जैसे ही क्लिक करूंगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। नीचे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाई बल्क अपलोड, यही बल्क फीचर है। क्यों बल्क अपलोड करोगे, क्योंकि ये वर्क स्मार्टर सेफ टाइम डू मोर विथ योर वीडियो। आप लोग कम समय पे आपके टाइम को सेव करके स्मार्ट वे पे काम कर सकते हो, और ये जो बल्क अपलोड ऑप्शन अभी फेसबुक ने लागू किया है इस पे बोला गया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियो यू कैन अपलोड पर बल्क अपलोड सेशन इज 50। मतलब एक पेज पे एक टाइम पे आप लोग एक साथ 50 वीडियो को अपलोड कर सकते हो ये बल्क अपलोड सेशन के साथ। तो ये बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है क्रिएटर लोगों के लिए अपने टाइम को सेव करना और स्मार्टर वे में एज ए क्रिएटर फेसबुक पेज पे काम करने के लिए। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बल्क वीडियो अपलोड करके दिखाने वाला हूं, तो इसके लिए आपको अपलोड वीडियो पे क्लिक करना है। तो मैंने अपलोड वीडियो पे क्लिक कर दिया। तो दोस्तों जैसे ही अपलोड वीडियो पे क्लिक करोगे आपको पूछा जाएगा आपके सिस्टम से आप कौन सा वीडियो को एज ए बल्क अपलोडर अपलोड करना चाहते हो। तो आज के वीडियो ये एग्जाम्पल के तहत मैं बना रहा हूं, तो आज मैं बल्क में दो ही वीडियो को अपलोड करके दिखाऊंगा, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। तो मैं ये वाला वीडियो उठा लिया और ये वाला वीडियो उठा लिया, दो वीडियो एक ही साथ एक ओपन कर दूंगा और एक ही साथ अपलोड होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग एज ए क्रिएटर 50 वीडियो को एक साथ अपलोड कर सकते हो इस फीचर के द्वारा, बल्क अपलोडर के द्वारा। यहाँ पे देख सकते हो मेरा दोनों वीडियो जो है अपलोड होना शुरू हो गया। अब क्या इतना ही फैसिलिटी है या फिर इसके ऊपर भी फैसिलिटी है? फैसिलिटी इससे काफ़ी ज़्यादा है, और ये जो ऑप्शन आया हुआ है मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। अब आप लोग क्या कर सकते हो ये बल्क फीचर के साथ, ये मैं दिखाने वाला हूँ। वीडियो अपलोड हो रहा है, वीडियो अपलोड होने से पहले आप लोग आपके वीडियो के टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, इन सारे चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अभी मैं ऐड करके प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कौन सा वीडियो है ये, फेसबुक एंगेजमेंट क्या है। तो ये वाला वीडियो सबसे पहले है, तो मैं यहाँ से मेरा टाइटल जो है वे ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, मैंने लिख के रखा है। अब टाइटल सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है, फिर डन कर दो, तो हो गया टाइटल। उसके बाद दोस्तों वही वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने लिख के रखा है, यहाँ से कॉपी कर लूँगा और उसी के साथ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे जाके क्लिक करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैंने कॉपी पेस्ट किया, इसके बाद डन। आप चाहो तो यहाँ पे टाइप करके भी लिख सकते हो। उसके बाद अगर आपको टैग डालना है तो टैग डाल लेना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक एक करके टैग ले लेता हूँ और वो जो टैग है वो मैं जाके यहाँ पे ऐड टैग पे ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टैग जो है वो भी ऐड हो जा रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है क्रिएटर लोगों के लिए, ताकि वो लोग अपने टाइम को सेव कर पाए और एक ही टाइम पे बहुत सारे वीडियो को एक ही साथ अपलोड कर दे पाए। तो ये मस्त एक अपॉर्चुनिटी फेसबुक क्रिएटर लोगों के लिए फेसबुक ने लाया है। और इसके साथ इसका और भी ज़्यादा फायदा है जो मैं वीडियो पे अभी एक एक करके आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले इस वीडियो का मैं डाल लेता हूँ
उसके बाद नेक्स्ट वीडियो का डालूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी टैग वगैरह सब कुछ ऐड करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ। तो ऐसे आपको ऐड करना है और उसके बाद डन कर दो। तो ये देख सकते हो एक ही साथ टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग सब कुछ मैंने डाल लिया। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसका भी मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हूँ टाइटल, तो वही टाइटल को कॉपी किया और अब यहाँ पे डाल दूंगा। तो आप लोग एक साथ 50 वीडियो को एक ही साथ ये सब कर सकते हो, जो कि एक स्मार्ट वर्क होगा, जो कि एक टाइम सेविंग होगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा। वैल्यू कैसे प्रोवाइड करेगा ये भी मैं वीडियो पे दिखाऊंगा। तो मैंने अभी डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया। अब रहा बात जो टैग होता है, तो टैग भी मैं डाल देता हूँ एक ही साथ। बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी फेसबुक ने लेके आया है और ये आने वाले टाइम पे क्रिएटर लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब किफ़ायती साबित होगा। गुच्छों पे आप आपके फेसबुक प्लेटफॉर्म पे आपके पेज पे वीडियो को अपलोड कर सकते हो, वो भी एट ए टाइम। तो ये आप सोचो आपका कितना समय सेव कर देगा ये बल्क अपलोड वाला जो ऑप्शन फेसबुक ने लाया है। मैं पहले जैसे ये अपडेट आया है आप लोगों को बताया नहीं, ये अपडेट आया हुआ 2-3 दिन हो चुका है, मगर मैंने सोचा नहीं मैं प्रैक्टिकली ही आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकली नहीं बताऊंगा तो आप लोगों को आधा अधूरा नॉलेज ही मिलता है और थ्योरी तो हर कोई बोल सकता है, प्रैक्टिकल दिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं टैग भी यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो अपलोड हो रहा है, 40% 99% हो गया है। अब मैं दिखाता हूँ ये बल्क फीचर का इससे भी ज़्यादा स्मार्ट क्या वर्क है, क्या बेनिफिट है वो। यहाँ पे देख सकते हो एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया। यहाँ पे देख सकते हो शेड्यूल ऑल करके एक ऑप्शन आता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बल्क फीचर का कमाल, आप यहाँ पे सेव एज ए ड्राफ्ट कर सकते हो और एक एक करके आपके टाइम के अनुसार उसको पब्लिश कर सकते हो एडिट वगैरह करके। अगर 50 वीडियो एक साथ आपने अपलोड कर लिया और सेव एज ड्राफ्ट कर लिया तो ये सारे फेसबुक के सर्वर पे अपलोड हो जाएगा मगर पब्लिश नहीं होगा। अगर आप चाहते हो वन पोस्ट पर डे हो तो आप अगर ये सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, हर दिन एक एक करके पोस्ट आएगा। अब आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है कौन सा डेट से आप स्टार्ट करना चाहते हो उस अपलोड को और कौन सा टाइम पे आप चाहते हो हर दिन अपलोड हो। आपको सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट करके अपडेट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो हर दिन उसी टाइम पे एक एक वीडियो आपके पेज पे आता रहेगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद है टू पोस्ट पर डे, अगर दो पोस्ट अगर आप पर डे डालते हो तो आपको सिलेक्ट करना होता है ये फीचर को। तो यहाँ पे भी आप टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी आप टाइम दे सकते हो, अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर फर्स्ट पोस्ट, मतलब पहला वीडियो अगर मान लो सुबह 8 या 9 बजे आता है तो सेकंड पोस्ट कितना देर बाद आएगा, कितना आवर बाद आएगा, ये आपको सिलेक्ट कर देना है। तो दो पोस्ट पर डे हो जाएगा। अगर वन पोस्ट पर वीक चाहते हो तो आप इस पे सिलेक्ट कर दो और यहाँ पे आप समय डाल दो कौन सा टाइम पे आएगा। तो ये जो बल्क अपलोड आपने किया है वो पर वीक एक एक वीडियो करके आएगा, तो कितना मस्त है ना। तो आपका कुछ टाइम वेस्ट करना होता है ना, तो आपको सही समय पे रहना होता है अपलोड के लिए, ऑटोमेटिकली अपलोड होएगा इस बल्क फीचर के वजह से। और उसके बाद देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली हो रहा है सब कुछ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आप चाहो तो मैन्युअली भी ऐसे सेव ड्राफ्ट पे रह जाएगा, जो भी आप अपलोड करोगे आप आपके समय के अनुसार एडिट करके फिर पब्लिश पे क्लिक करके डन करके यहाँ पे एक सेव बटन आता है उस पे क्लिक कर देना है सेव चेंज, तो ये सेव चेंज हो जाएगा और ये सारे चीज़ जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो आज बताओ आप लोग ये जो मैंने बल्क फीचर का आपका एपिसोड बना के दिखा रहा हूँ, ये जो प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, ये आने वाले टाइम पे आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहेगा। मुझे तो ये मेडिसिन के जैसा हेल्प होगा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, अगर मैं इस फीचर को यूज़ करूँ, 10 वीडियो बना के ऑलरेडी ऐसे करके शेड्यूल करके रखूँ तो मेरा टाइम कितना बच जाएगा, आप सोचो। मुझे ये जो फीचर आया है बल्क अपलोडर फेसबुक का बहुत ही अच्छा लगा है। अब आप सोचो, आप चाहो तो यहाँ पे थंबनेल भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे चूज ए फाइल है, तो आप अगर क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम में जाएगा, तो यहाँ से आप थंबनेल भी एक ही साथ चूज कर सकते हो अगर आपने बना के रखे हो तो।
तो ये जो ऑप्शन है मुझे काफी पसंद आया है, आप लोगों को कितना पसंद आया है जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना। आशा करता हूं आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों, बाय।